गाइस गुड मॉर्निंग। आज मैं मोटिवेशन के साथ उठी हूँ क्योंकि पिछला एक से डेढ़ महीने से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। रमज़ान था तो टाइम का कुछ ठीक नहीं था, कब सोना होता था, उठना होता था। इनफैक्ट मेरा वर्कआउट भी छूट गया रमज़ान के 7 दिन के बाद, क्योंकि इतना ज़्यादा बिजी हो गई तो टाइम नहीं मिल पाया। और ऐसे मेरे साथ जब भी होता है तब मैं स्टेप बैक लेती हूँ और अपना रूटीन को रीसेट करती हूँ। आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, बट पिछले कुछ टाइम से इतना ज़्यादा बिजी थी और स्लीपिंग साइकिल ऊपर नीच हो गया है, लेट सोना हो रहा था, लेट उठना हो रहा था और बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट फील हो रहा था। मेरे लिए मॉर्निंग प्रोडक्टिव होता है और मैं जब सुबह उठ नहीं पाती हूँ तो मेरा कोई भी रूटीन मैं फॉलो नहीं कर पाती हूँ, और ऐसा होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा लेज़ी फील होता है, डीमोटिवेट फील करती हूँ। और ऐसा जब भी होता है तब भी कहीं ना कहीं मेरा हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, बिकॉज आई हैव हार्मोनल प्रॉब्लम। तो मेरा ऊपर नीचे साइकिल होता है तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी रहती हूँ माइंड से। इन दिनों बाहर का खाना भी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो अब टाइम है बॉडी को डिटॉक्स करना, स्टमक को क्लीन करना। तो यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ता यूज़ किया है, एलोवेरा यूज़ किया है और आंवला यूज़ किया है। रॉ एलोवेरा यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। रॉ एलोवेरा स्किन के लिए भी अच्छा है और हमारे स्टमक के लिए भी अच्छा है। डीपली अपने स्किन को जैसे क्लीन करता है वैसे ही स्टमक को बहुत अच्छे से क्लीन करता है, डिटॉक्स करता है। इस ड्रिंक से डीपली स्टमक को क्लीन करता है, डीपली आपको स्किन को अंदर से डिहाइड्रेट अगर होता है तो हाइड्रेट करता है, और अगर पिंपल्स निकला है तो इंस्टेंट इसका रिजल्ट मिलता है 7 दिन में। स्टमक को बहुत अच्छे से क्लीन करता है तो आपका स्किन वैसे ही क्लियर दिखता है। तो यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता, रॉ एलोवेरा और आंवला तीनों चीज़ को यूज़ किया है थोड़ा सा पानी के साथ। अब रेडी हो गया है ये मेरा शॉट, इसको जस्ट थोड़ा सा ही लेना है, आधा गिलास, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी शॉट है, तो इसको पीना बहुत ज़्यादा बेनिफिट है हमारी स्किन के लिए, हेयर के लिए एंड ओवरऑल बॉडी के लिए भी। इस ग्रीन जूस के पीने के बाद 1 घंटा बाद मैं ब्रेकफास्ट करूंगी, तब तक मैं ऑफिस का थोड़ा सा वर्क कर लूं। कुछ टाइम से मेरा हेल्थ ठीक नहीं चल रहा था तो मैंने ब्लड टेस्ट करवाया, तो ब्लड टेस्ट में मेरा पहले एक बार करवाया था तो मेरा सिम्टम्स था थायराइड का, हुआ नहीं था। इस बार कराया तो थोड़ा सा सिम्टम्स थे, थोड़ा सा आगे बढ़ा है, तो इस बार मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन किया है मेडिसिन का, बट मैं मेडिसिन नहीं लूँगी। मैंने अपने आप को एक प्रॉमिस किया है कि मैं मेडिसिन तो नहीं लूँगी, पर हेल्दी लाइफस्टाइल से और हेल्दी कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स एंड कुछ ड्रिंक्स से मैं अपने आप को ठीक करने की कोशिश करूँगी, देखते हैं कितना हो पाता है। एंड मेरा स्किन सडनली बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है, मेरा स्किन ऑयली एक्ने प्रो है, अभी ऐसा लग रहा है कि डिहाइड्रेट ड्राइड स्किन है बिकॉज ऑफ हार्मोनल इशू एंड हेल्थ प्रॉब्लम। इसलिए मेरा स्किन रूटीन भी बहुत हद तक चेंज हुआ है, और मेरे अपने स्किन रूटीन में अभी ड्राई स्किन केयर का प्रोडक्ट ऐड किया है, जैसे कि अभी जस्ट मुझे नायका का पार्सल रिसीव हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत सारा ड्राई स्किन का प्रोडक्ट अपने स्किन के अकॉर्डिंग अभी मैं यूज़ करना शुरू करूँगी, रूटीन को फॉलो करूँगी, क्योंकि मेरा स्किन अभी बहुत ज़्यादा ड्राई है बिकॉज ऑफ मेरा थायराइड इशू एंड मेरा हार्मोनल प्रॉब्लम। मॉर्निंग में ऐसा सनस्क्रीन होना चाहिए ताकि ज़्यादा स्वेट ना हो और स्किन को हाइड्रेट रखे और प्रोटेक्ट भी करे। तो मैं यहाँ पे एक्वालॉजिका का पर्पल सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, ये न्यू सनस्क्रीन लॉन्च हुआ था तब मैंने लिया था, और बहुत अच्छा सनस्क्रीन मेरा स्किन को बहुत अच्छे से सूट किया है, सो मुझे तो ये सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा।
जिम जाने से पहले मैं अपना फर्स्ट मील लेती हूँ म्यूसली। म्यूसली में बहुत सारा ड्राई फ्रूट होता है, नट्स होता है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी भी मिलता है वर्कआउट करने में, एंड बहुत ज़्यादा हेवी भी नहीं लगता है। सुबह सुबह ज़्यादा हेवी खाना खाया भी नहीं जाता है। तो यहाँ पे मैं म्यूसली जो यूज़ करूँ, यहाँ पे बहुत सारा ड्राई फ्रूट है, सीड्स है, जो स्किन, हेयर, हमारे पूरा ओवरऑल बॉडी के लिए भी अच्छा होता है। सो म्यूसली के साथ में थोड़ा सा दूध और कोई भी फ्रूट्स, चाहे बनाना हो, एप्पल हो, या फिर घर पे कोई भी फ्रूट्स रहे, आप उसमें मिक्स करके खा सकते हो। रेडी हो गई है मेरी रिच फाइबर विटामिन से भरपूर मॉर्निंग डाइट। वैसे आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हो। मैं म्यूसली और मिल्क लेती हूँ ताकि मेरा बॉडी को एनर्जी मिले, और मेरा ट्रेनर भी बोलता है प्री वर्कआउट मील म्यूसली बेस्ट है, इसलिए मैं इसको हमेशा ही वर्कआउट से पहले ले लेती हूँ। जिम आने के बाद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करती हूँ। और अभी मैं अपना बॉडी को वार्म अप करने के लिए 10 से 15 मिनट में वॉक करूँगी ट्रेडमिल में, उसके बाद स्ट्रेचिंग करूँगी, उसके बाद मैं अपना वर्कआउट शुरू करूँगी। Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be कुछ दिन का जब स्किप हो जाता है, उसके बाद फिर से जब वर्कआउट करना शुरू करता है, तो बॉडी फिर से वही पेन फील करता है, बॉडी बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो आज मैं वर्कआउट बहुत ज़्यादा हैवी वेट से नहीं करूँगी, थोड़ा सा लाइट वेट से करूँगी, ताकि बॉडी थोड़ा सा एक दो हफ्ता बाद यूज्ड टू हो, एंड उसके बाद धीरे धीरे मैं अपना वेट इंक्रीज करूँगी। इन दिनों 6 kg मैंने अपना वेट गेन किया है, और ये खाने पीने से नहीं हुआ है, बिकॉज ऑफ माई हार्मोनल प्रॉब्लम। और रमज़ान के वजह से मैं हार्मोनल कोई भी मेडिसिन भी नहीं ले पा रही थी, ना वर्कआउट कर रही थी, ना सही से सो रही थी, ना खा पी रही थी, मेरा रूटीन ही सेट नहीं था, जिसके वजह से मेरा ऊपर नीच पूरा साइकिल हो गया, और मेरा हार्मोनल इशू जो भी प्रॉब्लम था वो भी और ज़्यादा बढ़ गया। तो अब से मुझे ध्यान रखना है, हेल्दी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना है, ताकि मुझे जो भी हार्मोनल अभी इशू दिख रहा है वो सारे थोड़ा सा नॉर्मल और बैलेंस में रहे। अब से मैंने खुद को प्रॉमिस किया है डीमोटिवेट नहीं होना है, रोज जिम आना है, 1 से 1.5 घंटा खुद के लिए निकालना है। चाहे कुछ भी कर लो, कितना भी अच्छा खा लो, कुछ भी लगा लो, जब तक आप वर्कआउट नहीं करते हो, जब तक आपका बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता है, तब तक कुछ अच्छे से वर्क नहीं करता है। सो वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जिस जिसके हार्मोनल प्रॉब्लम है उसके लिए मेडिसिन से ज़्यादा वर्कआउट वर्क करता है बॉडी में। सो हार्मोनल प्रॉब्लम को एकदम जड़ से ख़त्म कभी किया नहीं जा सकते। एक बार अगर बॉडी में उसका सिम्टम्स आ जाता है, वर्कआउट से उसको आपको मेंटेन करना होता है, और वर्कआउट से ही वो बैलेंस में रहता है। मैंने अपना PCOD को हेल्दी लाइफस्टाइल से, डाइट से और वर्कआउट से ठीक किया था। इसका मतलब ये नहीं कि PCOD मेरा बॉडी में अब है ही नहीं, या फिर कभी वो रिटर्न नहीं आएगा। अगर मेरा वर्कआउट में या फिर डाइट में कुछ भी प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा दिन अगर मैं ऐसे ही रहूँगी, अनहेल्दी लाइफस्टाइल ही रहेगा, तो फिर से मेरा PCOD का प्रॉब्लम भी दिखेगा। इसीलिए जिस जिसको थायराइड, PCOD या फिर कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम है, अपने डाइट पे, वर्कआउट पे और अपना हेल्दी लाइफस्टाइल पे ज़्यादा फोकस करें, ना कि मेडिसिन पे। मुझे अच्छा डाइट लेना है, 5-6 किलो कम करना है, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है, और अपने बॉडी को एक अच्छा शेप देना है।
जिम से आने के बाद मैं कुछ फ्रूट लेके आई, कुछ सब्जी लेके आई क्योंकि घर पे नहीं था, और मैं तरबूज लेके आई क्योंकि फ्रूट्स में जो सीजन का जो फ्रूट होता है वो मैं ज़्यादा खाती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। समर के टाइम पे हाइजीन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना होता है। मैं दो टाइम नहाती हूँ, एक बार सुबह एक बार रात को। सुबह जिम से आने के बाद मैं नहाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेट हो जाता है, एंड मैं शैम्पू भी 3 से 4 दिन कर लेती हूँ हफ्ते में। विंटर के टाइम पे मैं इतना नहीं करती हूँ, पर समर के टाइम पे मैं करती हूँ क्योंकि स्वेटिंग होता है जिसके वजह से डैंड्रफ होता है और इचीनेस भी बहुत ज़्यादा होता है एंड हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए जितना हो सके अपने स्कैल्प को क्लीन रखें, अपने बॉडी को फ्रेश रखें, क्लीन रखें, इससे हाइजीन भी मेंटेन रहता है और हम फ्रेश भी फील करते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल रहा है, पहले मैं मॉइस्चराइजर नहीं लगाती थी, स्किप करती थी क्योंकि उतना नीड नहीं होता था। अभी हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई फील हो रहा है, इसलिए मैं मॉइस्चराइजर को अपनी स्किन रूटीन में ऐड किया है। सनस्क्रीन स्किन में, SPF बॉडी लोशन, दैट्स इट। अपने आसपास में जितना हो सके क्लीन रखे, कोशिश करें समर के टाइम पे कॉटन का बेडशीट यूज करना, उससे आपका स्किन इरिटेट नहीं होगा, आपको ज़्यादा गर्मी नहीं फील होगा और आपको बहुत अच्छे से नींद भी आएगा क्योंकि सिंथेटिक जो बेडशीट होता है उससे बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगता है और बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी रहता है। मॉर्निंग टाइम पे मेरा दो टाइम मील होता है, एक प्री वर्कआउट मील, एक पोस्ट वर्कआउट मील, पर दो टाइम मैं स्मॉल क्वांटिटी ही लेती हूँ। एंड अभी मैं मल्टीग्रेन सैंडविच ब्रेड यूज़ कर रही हूँ, ये मैं ऑनलाइन ऑर्डर दिया था स्विगी से, आ चुका है और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, हेल्दी भी रहता है एंड इसमें बहुत सारा सीड भी रहता है, तो जिन लोगों को PCOD हार्मोनल प्रॉब्लम भी है वो लोग भी आराम से इसको ले सकते हैं। दो ब्रेड ले रही हूँ, ये मेरे लिए काफ़ी है और मैं यहाँ पे बटर का यूज़ नहीं करूँगी, यहाँ पे मैं देसी घी थोड़ा सा ब्रश कर लूँगी ताकि थोड़ा सा क्रंची और थोड़ा सा अच्छा लगे खाने में। और यहाँ पे मैं फुल एक का ऑमलेट बना ले रही हूँ, दैट्स इट। इतना ही मेरे लिए काफ़ी है ब्रेकफास्ट के लिए एंड ताकि मेरे को हाई प्रोटीन एक अच्छा ब्रेकफास्ट मिले। एंड सुबह मैं अभी चाय नहीं पीती हूँ, अभी मैं वाटरमेलन ले रही हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी है और समर के टाइम पे जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तब मैं सुबह में चाय पूरी तरीके से स्किप करती हूँ, तब मैं कोई सा भी एक सीजनेबल फ्रूट में ऐड करती हूँ ताकि मेरा ब्रेकफास्ट हेल्दी रहे एंड मेरा बॉडी के लिए भी अच्छा रहे। सुबह जो नायका से पार्सल आया था तब तो मैं ओपन करके नहीं देख पाई थी, तो अब मैं ओपन करके देखूंगी। समर के लिए मैंने बहुत सारा हेयर केयर, बॉडी केयर, स्किन केयर का मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर दिया था और ईद से भी पहले मैंने बहुत सारा ऑर्डर दिया था, वो अभी भी पड़ा हुआ है और वो मैंने कहाँ पे रखा है अभी मुझे ठीक से याद नहीं है, वो सबको भी अनबॉक्सिंग करना है क्योंकि वो मैंने सारे बॉक्सेस शायद मैंने दूसरा रूम पे रखा होगा बॉक्स पलंग के नीचे, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा मेसी हो रहा था रूम, तो मैंने सब कुछ रख दिया था। अभी मैंने एक ही बॉक्स ओपन किया जो मुझे चाहिए था, कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं जैसे कि फेस वॉश है, मेरा मेकअप रिमूवर बम है, अंडर आर्म रोलर है,
सावर जेल है और सावर जेल नायका का मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी, बट इसका स्मेल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ क्योंकि समर के टाइम पे मस्ट हैव सावर जेल। जब मैं अपना सेल्फ केयर करती हूँ तब मुझे लगता है कि मेरा दिन अब कंप्लीट हुआ है। अब से मैं अपना डाइट का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी, अपना फिटनेस जर्नी, अपना हेयर केयर, अपना स्किन केयर और बहुत अच्छे से अपने रूटीन को भी फॉलो करूँगी। एंड आप लोगों को भी अगर डीमोटिवेशन फील हो रहा है तो मैं हूँ ना आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। मैं अपना ब्लॉग से, अपना रूटीन से आप लोगों को मोटिवेट करूँगी ताकि आप लोग भी इजीली फॉलो कर सको। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो यहीं पे मैं खत्म कर रही हूँ। फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।